प्रिय साथियों नमस्कार। 25 सितंबर के बाद बदल जाएगा राजस्व वर्ष, अब 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 1 मार्च से माना जाएगा। ये आज रविवार 9 सितंबर की न्यूज़ है, भोपाल नव दुनिया प्रतिनिधि। 25 सितंबर से प्रदेश भर में नई भू राजस्व संहिता प्रभावी हो जाएगी, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में अब तक 58 संशोधन किए जा चुके हैं। इसमें जनता से आए सुझावों के आधार पर परीक्षण भी करवाया जा चुका है। नए संशोधनों के तहत अब राजस्व वर्ष 1 अक्टूबर से नहीं बल्कि 1 मार्च से माना जाएगा। वहीं सीमांकन के प्रकरणों में अपील नहीं हो पाएगी। इस संशोधन के चलते मध्य प्रदेश राजस्व मंडल में चल रहे लिहाजा राजस्व मंडल में चल रहे करीब 10,657 में से सीमांकन से संबंधित समस्त अपील के प्रकरण स्वतः ही समाप्त माने जाएंगे। बता दें कि इसमें से 7,000 मामले प्रक्रियाधीन हैं, वहीं 3,285 लंबित। बता दें कि इस संशोधन से सीमांकन की कई साल पुरानी व्यवस्था बदल जाएगी। अब तहसीलदार सीमांकन के लिए अधिकृत होंगे। यदि कोई पक्ष तहसीलदार के सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो वह एसडीएम को दूसरा आवेदन दे सकेगा। एसडीएम चाहे तो प्राइवेट लोगों की टीम से भी सीमांकन करा सकेंगे। यह टीम शासन स्तर से अधिकृत लोगों की होगी। बता दें कि 27 जुलाई 2018 को भू राजस्व संहिता में हुए इन संशोधनों का नोटिफिकेशन किया जा चुका है। फ्री होल्ड के लंबित सारे मामले होंगे निरस्त। अब न तो हाउसिंग बोर्ड से लीज पर मिली जमीन फ्री होल्ड होगी, न जीडीएन व नजूल की। जिन प्रकरणों में फ्री होल्ड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनसे जुड़े लोग संपत्ति मालिक कहलाएंगे। जो प्रकरण वर्तमान में लंबित है वे निरस्त हो जाएंगे। बता दें कि राजधानी में करीब 2000 से ज़्यादा फ्री होल्ड के मामले लंबित हैं। नामांतरण ऑनलाइन नकल फ्री। पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री की जानकारी RCMS सॉफ्टवेयर में फीड होगी। जानकारी तहसीलदार के पास ऑनलाइन पहुंचेगी। वे अविवादित प्रकरणों का दो महीने तथा विवादित का 4 महीने में निराकरण करेंगे। अब आवेदन देने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पक्षकार को नकल फ्री मिलेगी। सरकार नहीं सुनेगी। सरकारी ज़मीन पर कब्जे के मामले होगी जेल। किसी व्यक्ति का सरकारी ज़मीन पर यदि कब्जा है तो ऐसे प्रकरण अब न तो SDM सुनेंगे न विभागीय अफसर। धारा 57 को खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे मामले कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएंगे। दस्तावेज में संशोधन की प्रक्रिया भी बदली। अधिकार दस्तावेज में संशोधन अब SDM नहीं कलेक्टर करेंगे। ऐसे ही भू अभिलेख के शुद्धिकरण का काम तहसीलदार के बदले SDM करेंगे। लगान की वसूली ढाई के अंक 104 होने पर 100 रुपये और 106 होने पर 110 रुपये में होगी। विभाजन अब सह खातेदारों के बीच भी हो सकेगा। भू राजस्व संहिता में हुए संशोधनों को लेकर विगत दिनों मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली थी। इसमें संशोधनों के अनुसार काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधन आम लोगों के लिए काफ़ी कारगर है और सहूलियत को देखते हुए बनाए गए हैं। JP सचान, ADM दक्षिण भोपाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।